वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने वो फैसला लिया जिसका देश के हर किसान को इंतजार था। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। पिछले साल मोदी सरकार तीन कृषि कानून लाई थी, लेकिन इसके विरोध में कई संगठन दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ गए थे। अब सरकार ने किसानों के आंदोलन के आगे कानून वापसी का ऐलान किया है, लेकिन राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान पर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। उधर कृषि कानूनों की वापसी पर अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी है। केजरीवाल ने लिखा, आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली, तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगे कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। केजरीवाल की तरह आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मोदी के अन्याय पर किसान आंदोलन की जीत ढेरों बधाई। भारत के अन्नदाता किसानों पर एक साल तक घोर अत्याचार हुआ, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहकर अपमानित किया गया। इस पर मौन क्यों रहे मोदी जी? देश समझ रहा है चुनाव में हार के डर से तीनों काले कानून वापस हुए। कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इससे सुंदर क्या हो सकता है, बहुत 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 खुश हूँ। सहमति प्रजातंत्र की संजीवनी शक्ति है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आगामी चुनावों का डर ही सही, लेकिन मोदी सरकार को झुकना पड़ा। सत्ता का अभिमान टूट गया है और किसानों का संघर्ष जीत गया है। संविधान की जीत हुई, हालांकि इस जीत के लिए सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है, उन्हें नमन। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा, ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी ने फिर साबित किया कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है। किसानों की आड़ में खालिस्तानी आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब सामने से आना पड़ेगा। असली लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है। उधर किसान संयुक्त मोर्चा ने भी कहा है कि किसान आज या कल आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब संसद में इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।